हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सिक्योरिटी सिस्टम। और इस सिक्योरिटी सिस्टम से चोर क्या यार, चोर का बाप भी नहीं बच सकता। और ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, सिर्फ 60 रुपये में इसका पूरा सामान आ जाता है फ्रेंड्स। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट भी है। तो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक BC547 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसके फर्स्ट नंबर वाली पिन है कलेक्टर, दूसरे नंबर वाली बेस और तीसरे नंबर वाली एमिटर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक रजिस्टर जो कि 2.2 किलो ओम का है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करने वाले हैं इस ट्रांजिस्टर के, जो इसकी पिन नंबर 1 और 2 है वहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक LDR और इसकी एक लेग को हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पे। फ्रेंड्स, LDR में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसकी कोई भी लेग हम किधर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर्किट बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखिए इस सर्किट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ट्रांजिस्टर का एमिटर है यहाँ पर हम बजर का पॉजिटिव जोड़ेंगे और जो ये वाली पिन है LDR की, इस पे बजर का नेगेटिव जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बजर दिखा देता हूँ कि कौन सा बजर हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो बजर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बजर है और इतना तो बड़ा सर्किट भी नहीं है हमारा, आप देख सकते हैं। तो ये 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक बिल्कुल आसानी से काम कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि इसकी साउंड कितनी तेज आ रही है। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ जो कि हमें इस सर्किट के अंदर भी यूज में लेनी है। तो कैमरे में हो सकता है आपको इसकी साउंड का अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन अगर हूबहू आप इसके सामने होंगे तो आपको इसकी साउंड का अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये बजर हम इसके अंदर काम में लेने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे और ऐसे बॉक्सों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि ये बॉक्स आपको बिल्कुल आसानी से प्लास्टिक शॉप से मिल जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इस बॉक्स के अंदर छेद, इस जगह करेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने छेद कर लिया है। तो ये छेद मैंने इसलिए किया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये जो अलार्म है इसको हम इस बॉक्स के तो अंदर तो लगाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि इसकी साउंड ही दब जाएगी तब। तो इसके अंदर हम सर्किट को फिट करेंगे और यहाँ पर हम अलार्म को लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर से इन वायरों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये निकल जाएंगे और यहाँ पर हम इस बजर को इस तरीके से लगा देंगे। तो चलिए इसको मैं ग्लू स्टिक के द्वारा अच्छे से चिपका देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक मिनी स्विच और इस स्विच को लगाएंगे यहाँ पर, इस जगह हम इस स्विच को लगाने वाले हैं। तो स्विच के लिए भी हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर कटिंग कर ली है और अब इस स्विच को हम बिल्कुल आसानी से लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये स्विच लग चुका है और अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट है इसके अंदर लगाने वाले हैं हम ये बजर। तो बजर का जो पॉजिटिव है ये हम लगाएंगे ट्रांजिस्टर के एमिटर पे और ये जो खाली बची हुई लेग है LDR की, इस पे हम लगाएंगे बजर का नेगेटिव। तो यार फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर लेंगे और इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनको हम इस तरीके से लगाएंगे। जो बैटरी का नेगेटिव है उसको हम LDR की इस पिन पे कनेक्ट कर देंगे और जो बैटरी का पॉजिटिव है इसको हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बैटरी के लिए नेगेटिव तो जोड़ दिया है और पॉजिटिव को फ्रेंड्स हम स्विच के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक वायर का टुकड़ा और ले लेता हूँ इस तरीके से, ये देखिए, और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दोनों वायर है इनको हम कनेक्ट करेंगे स्विच के ऊपर। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो एलडीआर आप देख रहे हैं, इस एलडीआर के लिए हम इस बॉक्स के फ्रंट पे यहाँ पर छेद करेंगे इस एलडीआर की साइज का। यानी ये एलडीआर बार दिखता हुआ होना चाहिए, यानी इसका जो मुंह है वो बार की तरफ होना चाहिए दिखता हुआ। तो चलिए जल्दी से फिक्स कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एलडीआर को फिक्स कर दिया है। अब देखिए ये जो सर्किट है इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम इस बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। और बैटरी को देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम इस बॉक्स के अंदर रख देंगे और बॉक्स को कर देंगे बंद। फ्रेंड्स, भले ही आप इस सिक्योरिटी अलार्म को एक छोटा सा सिक्योरिटी अलार्म समझ रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर बिल्कुल आसानी से सिक्योरिटी कर सकता है। तो देखिए इसको जैसे ही मैं ऑन करूंगा इसका बजर चालू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई ये आपने क्या बना दिया यार, ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी के बीच में स्विच को लगा दिया है और बजर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स आप अभी भी नहीं समझे इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर एक एलडीआर लगा हुआ है और देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पर लूंगा फ्रेंड्स मैं एक लेजर लाइट, तो आप इसके तरंगे देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये सर्किट के ऊपर भी काम करेगी। देखिए किस तरीके से, जैसे ही मैं इस सर्किट को चालू करूंगा यहाँ पर ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और ये लेजर लाइट को जैसे मैं ऑन करके इस एलडीआर पे डालूंगा, आपको लेजर लाइट की डिस्टेंस तो पता ही होगा, कई किलोमीटर दूर तक इसकी लेजर बिल्कुल आसानी से जा सकती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी अलार्म है कितनी दूर तक काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस लेजर लाइट को एक गुटके के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है एक गुटका और इस लेजर लाइट को मैं यहाँ पर इस तरीके से फिक्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं गुटके को थोड़ा सा घिसके और लेजर लाइट के लिए यहाँ पर जगह बना लूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लेजर लाइट के लिए इस तरीके से जगह बना ली है और लेजर लाइट को हम इसके अंदर बिल्कुल आसानी से फिक्स कर देंगे इस तरीके से। और देखिए लेजर लाइट का ये जो बटन है ये हम किस तरीके से ऑन रखेंगे और किस तरीके से ऑफ रखेंगे उसके लिए भी हम यहाँ पर एक जुगाड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक लोहे की इस तरह की पत्ती और इसके दोनों तरफ मैंने छेद निकाल लिए हैं। और देखिए इसको मैं इस तरीके से फिक्स करने वाला हूँ। अभी मैं स्विच को साइड के अंदर कर रखा हूँ इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देते हैं। तो दोनों तरफ मैं स्क्रू कस देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लेजर लाइट को इस तरीके से फिक्स कर दिया है और थोड़ा सा ये जो स्क्रू है इसको हमने ढीला रखा है ताकि हम लेजर लाइट को अच्छे से घुमा सके। ये देखिए इस तरीके से जो लेजर लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और देखिए जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा यहाँ पर लेजर लाइट बंद हो चुकी है। देखिए दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, और वापस से इस तरीके से बंद हो जाएगी। अब देखिए ये जो सिक्योरिटी अलार्म है ये किस तरीके से काम करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम स्विच को ऑन, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर ये अलार्म जोर जोर से बजना स्टार्ट कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस लेजर लाइट की जो रोशनी है इसको हम डालेंगे इस एलडीआर पे, और जैसे ही हम एलडीआर के ऊपर इसको डालेंगे यहाँ पर ये बजर बजना बिल्कुल बंद हो जाएगा। चाहे आप इसको 2 फीट से करें या फिर 2 किलोमीटर से, आपका ये सिक्योरिटी अलार्म बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मैं एक अच्छी सी टेस्टिंग कराने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं एक लकड़ी के गुटके पे इस तरीके से रख दूंगा ताकि यहाँ पर जो लेजर लाइट है वो इसके एलडीआर पे डायरेक्ट पड़े, ठीक है। अब इसको कर दूंगा ऑन, तो ये तो इस तरीके से अलार्म बज गया। और इस लाइट को मैं ऑन करूंगा इस तरीके से घुमा के, ये देखिए अब यहाँ पर एलडीआर के ऊपर हम डालेंगे इसको।
तो देखिए लेजर लाइट एलडीआर के ऊपर बिल्कुल सीधे पड़ रही है। अब देखिए इन दोनों के रास्ते में से मैं जैसे ही गुजरूंगा इस तरीके से यहां पर यह बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, तो यहाँ पर इन दोनों का मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है बंद करने का कि किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। देखिए इसको आप घुमा के इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप स्विच के द्वारा इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार हम एक और एग्जांपल देखते हैं विद टेस्टिंग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस डिवाइस को इस तरीके से लगा दिया है और जो हमारी लेजर लाइट है वो सामने वहाँ पर लगी हुई है और आपको बिल्कुल आसानी से तरंग भी दिखाई दे रही होगी। आप अपने बड़े से बड़े खेत में चाहे 2 किलोमीटर दूर तक आप इस तरीके से रख सकते हैं और अगर आपके खेत में कोई भी चोर या पशु जानवर इस तरीके से घुसेंगे तरंगों के बीच से तो आपका ये अलार्म बिल्कुल आसानी से बच जाएगा। जो हमारी लेजर लाइट है वो वहाँ पर है, देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लगा रखी है और वो देखिए फ्रेंड्स हमारी डिवाइस है वहाँ पर। और चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो तरंग आपको दिखाई दे रही है उनके बीच में से जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पर हमारा अलार्म बजना स्टार्ट कर देगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं वापस आके आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे की तरफ आपको लाइट भी दिखाई दे रही होगी लेजर, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स वापस से हमारी जो लेजर लाइट है जैसे ही सिक्योरिटी अलार्म के सेंसर पे पड़ी यानी जो एलडीआर है उसके ऊपर तो हमारा अलार्म बंद हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी अलार्म काम करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी रात का समय है और हो सकता है आपको पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिले क्योंकि यार मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ रात का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके भी कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।